चंडीगढ़ को मॉडर्न ही नहीं ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। यहाँ पे हर जगह प्लानिंग के साथ सब काम किए गए हैं, चाहे सड़कें हो या ऑफिस हो या लोगों के लिए रहने के घर, हर कुछ बहुत ही सलीके से बसाया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये शहर बनकर कैसे तैयार हुआ था? आखिर इस नए शहर की जरूरत क्या थी जो आजादी के तुरंत बाद इसकी नींव रख दी गई? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। साफ सुथरी सड़कें, सड़कों के किनारे हरियाली, हर सड़क मानो कोई कहानी लेकर बैठी हो। 1948 में जब इस शहर की परिकल्पना की गई थी, तब यहाँ पर ऐसा शानदार शहर बसेगा किसी ने सोचा तक नहीं था। लेकिन जब चंडीगढ़ शहर बसा तो हर कोई इस शहर का दीदार करना चाहता है। इस शहर की प्लानिंग जिस आर्किटेक्ट ने की थी उनका नाम है ली कार्बूजियर। इसलिए चंडीगढ़ शहर में उस जगह को खास बना दिया गया है जहां इस शहर की रचना तैयार की गई थी। इस म्यूजियम में आकर आप चंडीगढ़ शहर को बनता हुआ देख सकते हैं। आप उनको गौर से सब देखेंगे और पढ़ेंगे तो आपको आपके सामने शहर बनता हुआ नजर आएगा कि किस तरह से, जो कि शहर था ही नहीं, वो किस तरह से बना, उसके बनाने में किस किस तरह की दिक्कत आई, जीरो से, जिसको हम कह देते हैं स्क्रैच से शुरू करके अंत तक पहुंचना। आज तो हम जो देखते हैं चंडीगढ़ को बहुत खूबसूरत शहर है, तो वो ये कल्पना करना कि उस समय कैसा होगा ये शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो। चंडीगढ़ शहर में ली कार्बूजियर सेंटर का अलग ही महत्व है। यहाँ पर जब शहर को बसाने का काम चल रहा था उस वक्त की तस्वीरें आज भी जीवंत हैं। उस दौर के फोटोग्राफ, मेन होल कवर, फर्नीचर, हाथों से लिखी चिट्ठियाँ जैसी प्राचीन वस्तुएं पर्यटकों को ही नहीं आर्किटेक्ट को भी आकर्षित करती हैं। ली कॉर्बूजियर इज अ फ्रेंच आर्किटेक्ट जिसने पूरे चंडीगढ़ को प्लान किया है, तो हम देखने आए थे यहाँ पे कि कैसे कैसे उन्होंने प्लान किया और क्या क्या चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जिसमें चंडीगढ़ को मतलब बहुत ही अच्छी एक इंट्रोडक्शन देता है। पुरानी चीजें जो ली कॉर्बूजियर ने रखी है, अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपने टेबल्स, चेयर्स या जो भी पुरानी चीजें हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग आके यहाँ पे विजिट करें। गैलरी में हमारे पास यहाँ पे चंडीगढ़ का सबसे बड़ी मैनहोल है, फिर यहाँ का फर्नीचर डिजाइन के बारे में है, देन चंडीगढ़ के जो बेसिक सबसे बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि ओपन हैंड जो कि बनाया गया ली कार्बूजियर के द्वारा, सो वो सब देख के बहुत अच्छा लगा। ली कार्बूजियर ने इस शहर को बसाने के लिए चार कार्यों को जरूरी माना था, आवास, काम करने की जगह, यातायात और मनोरंजन। इसलिए बिल्डिंग के ऊपर जो हाथ बना है इस शहर की प्लानिंग को बताता है। कार्बूजियर ने शहर को दो चरणों में बनाने की योजना बनाई थी, जहां पहले चरण में 1.5 लाख लोगों के लिए सेक्टर 1 से 30 शामिल होंगे, जबकि सेक्टर 31 से 47 में लगभग आधा मिलियन की घनी आबादी होगी। चंडीगढ़ शहर को इसलिए बसाया गया था क्योंकि देश के बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान में चला गया था। इसलिए सरकार को लगा कि इसकी कमी कैसे पूरी की जाए, क्योंकि पंजाब को एक नई राजधानी की जरूरत तो थी ही, आर्थिक क्रियाकलाप के लिए भी एक शहर की जरूरत थी। मर्चेंट्स भी थे, लाइक पढ़े लिखे लोग, आपके टीचर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, पोएट्स हो गए, सब लोग थे जिनको लाहौर छोड़ के आना पड़ा। तो सिर्फ एक रिफ्यूजी सेटलमेंट नहीं बनाना था, एक नया शहर बनाना था जिसमें वही कल्चर, वही वाइब्रेंसी हो जो लाहौर में थी। इसलिए डिसाइड किया गया नया शहर बनाएंगे, तो उसके लिए तैयारी 1948 में ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले चंडीगढ़ शहर की प्लानिंग का जिम्मा अमेरिकी आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर और पोलिश आर्किटेक्ट मैथ्यू नोविकी को दी गई थी, लेकिन नोविकी की मौत के बाद ये जिम्मेदारी कार्बूजियर और उनकी टीम को सौंपी गई, जिन्होंने इस शहर का मास्टर प्लान तैयार किया। लेकिन ऐसा भी नहीं है, चंडीगढ़ शहर को बनाने का काम सिर्फ कार्बूजियर ने किया है, बल्कि भारतीय इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट का भी उतना ही योगदान है। चीफ आर्किटेक्ट थे, चीफ इंजीनियर थे उस टाइम पे पीएल वर्मा, जो हमारे एक आईसीएस ऑफिसर थे, चीफ कमिश्नर एएल फ्लेचर, सबसे ज्यादा योगदान उन लोगों का है क्योंकि उनका विजन था कि एक गार्डन सिटी बने, एक ऐसा शहर बने जो मॉडर्न भी हो पर रूरल भी हो। तो जो हम चंडीगढ़ को आज देखते हैं वो बहुत कुछ उनके विजन का रिजल्ट है।
चंडीगढ़ को पहले पंजाब की राजधानी के तौर पर विकसित किया गया, लेकिन 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो हरियाणा के लिए भी नई राजधानी की जरूरत थी, लेकिन चंडीगढ़ शहर पर ही इस जिम्मेदारी को डाल दी गई। इस शहर का मास्टर प्लान भी ऐसा था जो आज दो राज्यों की राजधानी होकर भी बड़े आराम से प्रशासनिक ही नहीं रिहाइश और कारोबार के लिहाज से भी नायाब बना हुआ है। ललित शर्मा, गुड न्यूज़ टुडे, चंडीगढ़।